ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में हम अक्सर न्यूज में सुनते रहते हैं, जिसको 1981 में यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का रिकॉग्निशन मिला था। ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेरीन साइंसेस करीब 37 ईयर्स से हर साल ग्रेट बैरियर रीफ की हेल्थ रिपोर्ट दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया की नॉर्थ ईस्ट में स्थित और करीब 3,48,000 स्क्वेयर किलोमीटर एरिया में फैली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेट बैरियर रीफ की यूनिकनेस और स्पेशलिटीज ज़्यादा ही है। यहाँ 400 टाइप्स के कोरल्स, 1500 स्पीसीज के फिशर्स, 4000 टाइप्स मोलास्कास के साथ साथ ग्रीन टर्टल्स, ड्यूगोंग, सी काउस, ब्लू वेल्स जैसे कई एक्सटिंक्टेड स्पीसीज भी है। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेरीन साइंसेस के इस साल के एनुअल रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5-6 ईयर्स से डेवलप्ड दिखने वाले ग्रेट बैरियर रीफ की हेल्थ को इस साल फिर प्रॉब्लम फेस करने का चांसेस है। दरअसल 2016-17 की रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रेट बैरियर रीफ मेरीन हीटवेव्स, कोरल ब्लीचिंग, कुछ स्पीसीज जैसे क्रॉन ऑफ टॉन्स स्टारफिशर्स कोरल्स को खाने से और साइक्लोन्स के कारण ग्रेट बैरियर रीफ डैमेज हो रहा था। लेकिन 4-5 ईयर्स पहले वहां के ला नीना कंडीशंस यानी वाटर में हीट कम होना और मौजूदा स्पीसीज और कोरल्स के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट रहने से ग्रेट बैरियर रीफ ज़्यादा डैमेज होने से बच गया। लेकिन इस साल ओशन टेम्परेचर राइज, पैसिफिक ओशन के एल नीनो कंडीशंस के कारण वाटर का टेम्परेचर राइज होने से उससे मौजूद कोरल्स ब्लीच होने लगे, यानी रेड कलर्ड कोरल्स वाइट कलर में चेंज होने लगे, जो ग्रेट बैरियर रीफ डैमेज होने का मेन रीजन है। दरअसल कोरल्स रेड और वाइब्रेंट कलर्स में दिखने के लिए उसमें मौजूद जुजेंथले नामक एल्गे ही कारण है। तो जब एलनीनो कंडीशंस में ओशन वाटर के टेम्परेचर में राइज आता है, तब ये एल्गे कोरल को छोड़कर बाहर आ जाती है, जिससे कोरल्स जिंदा रहने के बावजूद पेल या वाइटिश कलर में चेंज हो जाते हैं। यानी कोरल्स का डोमेंट कंडीशन या मोर्टल कंडीशन में होना, जिसको कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। 1981 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल हुए ग्रेट बैरियर रीफ को रिसेंटली यूनेस्को ने डेंजर्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करने का निर्णय लिया, जिससे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हैरान हो गई, क्योंकि ये डिसीजन ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म को अफेक्ट करता है। कारण जो भी हो, ओशन वाटर का टेम्परेचर राइज मेरीन डाइवर्सिटी का कारण बन रहा है। See you again with a new topic in Global Encyclopedia. Till then, take care and have a nice day.